वेलकम बैक नाजरीन जी। राणा साहब, जिसको आप ऑडिट नोटिस करते हैं जी, उसका रिस्पांस क्या होता है, और दूसरा कानून के मुताबिक किस फर्म का, किस कंपनी का आप ऑडिट कर सकते हैं? ऐसे है कि जो जो हमारे पास रजिस्टर्ड इदारे हैं ना, जी जी, उनका हम कानून के मुताबिक साल में एक दफ़ा इंस्पेक्शन करनी होती है, लाजमी वेरीफिकेशन करनी होती है कि वेदर दे हैव पेड कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ आर नॉट, ठीक है, वेदर दे हैव गॉट ऑल ऑफ देयर वर्कर्स रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूशन आर नॉट, ठीक है। इस चीज़ को चेक करने के लिए ये एक फॉल सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कर्टेल कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शन लगा दी कुछ पॉलिसी सकें, तो इसके बावजूद हमारा जो है ना एक फॉल सिस्टम है, ये वेरिफिकेशन करने के लिए कंट्रीब्यूशन साल में आप जितनी मर्जी पे करते रहें साल में एक वंस इन ईयर हमने उसको वेरीफाई करना होता है कि वेदर द पेड अप कंट्रीब्यूशन आर अकॉर्डिंग टू लॉ आर नॉट, ठीक है। ये इसके लिए हमारी नोटिस देते हैं हम उसको एम्प्लॉय को, बकायदा साल जब उसका मुकम्मल हो जाता है नोटिस देते हैं उसको, जनाब अपने ये रिकॉर्ड आपने पेश करने, जिस तरह एफबीआर में होता है कोई किसी का केस ऑडिट में आ जाता है तो उसके लिए तो क़यामत बर्पा हो जाती है, नहीं तो आपके इस इदारे में इस तरह का ही है? ऐसी बात हरगिज़ नहीं है जी जी, हमारे यहाँ बड़ा एक सोशल इदारा है हमारा जी, ये कोई प्यूनिटिव एक्शन लेने वाला इदारा नहीं है, ठीक है। पहले हम सोशल हैं, बाद में गवर्नमेंट के बाकी लॉज हमारे आते हैं, हमारा बड़ा एक बड़ा सपोर्टिंग और गाइडिंग किस्म का एटीट्यूड होता है उनके साथ, ताकि उनको गाइड करें कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ ये काम करें। अच्छा, इस आपके इदारे में कुछ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए भी कोई एहतसाबी इदारा है? हाँ, उसको देखता है कोई विद इन इंस्टीट्यूशन भी हमारा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, बड़ा फॉल सिस्टम है, अगर फील्ड वाले को काम नहीं करते, हमारे हेड ऑफिस में एक इंस्पेक्शन टीम है, डी जी इंस्पेक्शन उनके बकायदा उनको सारा लुक आउट कर दें उस चीज़ को, तो उसमें हम कहीं अगर लूप होल फील करेंगे, फील्ड वालों को कहीं गलती आई है सामने हमारे, उनके लिए रीचेक करवा के रिकाउंटर करवा के उनको अकाउंट फॉर भी करते हैं बकायदा, ठीक है। और ये पंजाब में कितने आपके ज़िली ऑफिसेज हैं जो काम कर रहे हैं? हमारे 20 डायरेक्ट्रेट्स हैं पंजाब में, और तकरीबन 12 सब ऑफिस हैं हमारे, ऑलमोस्ट हर जगह हमारे ऑफिस हैं, जो ये इंडस्ट्री क्लस्टर के मुताबिक होते हैं, ठीक है, नीड बेस्ड हमारे ऑफिस होते हैं, जरूरी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हों, हर रीजन में हों, डिवीजन हेडक्वार्टर पर तकरीबन हर जगह हमारे दफ्तर हैं। आपका इदारा जिस तरह वैसे दूसरे इदारे खसारा कर रहे हैं, को आपका इदारा पंजाब के लिए कोई मुफीदमंद साबित हो रहा है कि यही ये भी कोई खसारे में जा रहा है? नहीं, इदारा हमारा माशाल्लाह लोगों को डिलीवर करने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, जी जी, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए ज़ाहिर है हमें सेल्फ फंडिंग करनी होती है, जी जी, हमें किसी गवर्नमेंट से या किसी इदारे से फंडिंग नहीं आती, हमारा इदारा खुद फंड जनरेट करता है, खुद अपनी इनकम को एक्सपेंसेस को मीट करता है उनको, तो उसके लिए हमें बकायदा एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि अपनी इनकम को अपने उसके मुताबिक जो है ना एक्सपेंसेस के मुताबिक बढ़ाएं और एक्सपेंसेस को अपनी इनकम के मुताबिक बैलेंस रखें, यानी हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं है आपका, लॉस में नहीं जा रहा आपका सेल्फ फंडेड इदारा है हमारा, जी जी, लॉस पे भी ऐसा नहीं जा रहा, लेकिन कलेक्शन पे कट आ रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, जी जी, कि जितनी हमारी टारगेट होते हैं वो मीट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मुल्की हालात आपके सामने हैं, नई हुकूमत ने आपके इदारे को कोई इख्तियार नहीं दिए कोई ऐसे जो आपको एक्शन किसी को इनिशिएटिव आ रहे हैं? अब ये वर्कर्स डोमेस्टिक पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, इसके तहत जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको रजिस्टर करने का इख्तियार आ गया हमारे पास, ठीक, वो हमें असाइनमेंट मिल गई हुई है, हमने पंजाब में ये रजिस्ट्रेशन कंपेन लॉन्च कर दी हुई है, अवेयरनेस कंपेन भी लॉन्च कर दी हुई है, इसमें फैसलाबाद में हम फंक्शन कर चुके हैं, लाहौर में फंक्शन कर चुके हैं, अब इसमें रावलपिंडी में और मुल्तान में, पहले ये चार बड़े शहर टारगेट किए हैं, ठीक है, इसमें सारे डोमेस्टिक वर्कर जो होम बेस्ड वर्कर हैं, जो घरों में लोग काम करते हैं, पहले वो हमारे नेट में नहीं थे, ठीक है, अब उनको रिस्पांसिबिलिटी उनके एम्प्लॉयर की थी कि उनको ट्रीटमेंट दे, अब गवर्नमेंट ने बकायदा उनको एक फॉर्मल सिस्टम में ला के उनको बकायदा ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके वर्किंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, उनके सर्विस मैटर को रेगुलेट करने के लिए बकायदा एक कानून बना दिया हुआ है, उसमें अब जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी अब उतने ही बेनिफिट ले सकेंगे जितने के हमारे स्कूल वर्कर ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, इनका काम शुरू हो गया हुआ है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि एक डोरमेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी था उसका एड्रेस करके बकायदा एक फॉर्मलाइज फॉर्मल सेक्टर में ला के उनकी सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत फाल तरीके से काम हो रहा है इंशाल्लाह। अमर कदरी साहब, जैसे राणा साहब ने बड़ी तफसील से बताया ये बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं, आप जो डिलीवर कर रहे हैं फिर लोग क्यों खौफ ज़्यादा होते हैं इसमें रजिस्टर होने के लिए, फील्ड में क्या मुश्किल हैं? नहीं, अभी मुझे आप ये बताएं क्या डिलीवर किया है? जो कह रहे हैं वो सेहत भी करते हैं, मेडिसिन भी, वो मेडिकल भी, सारे को तकरीबन सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो आम जो बंदा है अपना ये 10 रुपए की पर्ची ले उसके अंदर मिल जाती है सारी चीज़ें, नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल की सब, मैं आपसे देखें इसमें वर्कर जो सा है जब इतने पैसे कंट्रीब्यूशन दे के जी जी उसको सिर्फ अगर उसने बीमारी दवाई लेनी है जी जी और क्या मिल रहा है उसको, कुछ भी नहीं,
लवाजमात हैं वो कह रहे हैं 10 रुपए की दवाई तो वो पैसे नहीं लगा, उसके भी वो पैसे अदा करते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल देखें, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो एम्प्लाइज हैं जी जी, या तो फिर उनको भी लेके आए ना, हर इदारा अपना अपना हॉस्पिटल क्यों बना रहा है जी जी। घर में अब FBR वाले जो है वो शेख सैद को रिकमेंड करते हैं, हर इदारे ने अपने अपने हॉस्पिटल रिकमेंड करवाए हुए हैं। अगर ये इतना ही कारामद है, इतना ही सक्सेसफुल है, तो फिर जितने गवर्नमेंट के एम्प्लाइज हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन इनके पास आना चाहिए और उनका भी ट्रीटमेंट सब एम्प्लाइज का उसके साथ होना चाहिए, इसको इंटरलिंक होना चाहिए उनके साथ, या इनकी फैसिलिटी खाली इनके हॉस्पिटल में ही नहीं होनी चाहिए, इनको हर किसी जिस जगह पे भी जाएंगे इनको वहाँ पे इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अब एक बंदा स्पेशली अब उसकी टांग टूट गई लाहौर में सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है सरगोधा में, अब वो वहाँ पे जाएगा खर्चा करके ये वो सारा कुछ, 10 रुपए की पर्ची मिलती है हॉस्पिटल में, वहां से ले लेगा दवाई। बिल्कुल सही है, ये सारी चीज करूँ जी जी। आप मदर के साथ में कहूँगा, आप ना एम्प्लॉयर हैं ना एम्प्लॉई हैं जी जी, हमारे इदारे के लिए आपको इनडेप्थ स्टडी नहीं हो सकती ठीक है। तो आप हमारे हॉस्पिटल में जाके देखें, हमारे 19 बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे है जी बाईपास सर्जरी तक हो रही है वहाँ पे। नहीं मसला तो वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जहाँ पे आपका हॉस्पिटल नहीं है वहाँ का वो जो आपका जो रजिस्टर्ड है उसको किसान को फायदा होगा। हमारे तकरीबन 280 के करीब मेडिकल आउटलेट्स हैं हमारे, 19 बड़े हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं हर जगह, हर बहुत बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ी सहूलत आपकी मेडिकल के हवाले से है बस, मैंने यही कहा है साहब, मैंने यही कहा है कि माँ सिवाय हॉस्पिटल के जो के फैसिलिटी लोगों को 10 रुपए में भी अवेलेबल है जी जी, इसके अलावा क्या सहूलत है हमारे इदारे में जी जी। जो है VIP जो है वो वर्कर है, हमारे हॉस्पिटल में आ गया तो टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उसे, सिर्फ एक आपको जो आप जिनको रजिस्टर करते हैं सिर्फ उनको सिर्फ हेल्थ के हवाले से सिर्फ सहूलतें फराहम होती हैं, इसके हटके भी और सहूलत हटके भी जो सर बेनिफिट वो क्या क्या है, बहुत बेनिफिट करवाएं आपको सारे कैश बेनिफिट्स हैं उसके अलावा जी। किसी के को फ्रैक्चर हो जाता है, टांग टूट जाती है, उसका पेंशन लगा देते हैं उसकी ठीक है, खुदा ना खासा फौत हो गया तो सर्वाइवर पेंशन है, सर्वाइवर पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन उतनी है जितनी को लास्ट पे डाउन है उसकी ठीक है, फॉर लाइफ उसको मिलती रहती है, उसके बेटों को फॉर लाइफ मिलती रहती है, बच्चों को फॉर लाइफ मिलती रहती है ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उसके, क्योंकि ये जो है ना फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होता ठीक है जी, जो लास्ट पे ड्रॉन है वही उनको फॉर एवर मिलती रहती है, डेथ की सूरत में भी और डिसेबिलिटी की सूरत में भी। अगर आप बहुत बड़ा कह रहे हैं नहीं, देखें मैं इसमें थोड़ी सी माजरत के साथ, मैं इसमें ना आपसे एक माजरत के साथ अर्ज करने लगा, इसमें ना सारी चीज़ें ये चीज़ें ना इसको आपको थोड़ा सा ना लोगों को पर्टिकुलरली जो आपके बेनिफिशरीज हैं जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने बेनिफिट आपसे लेना है जी जी, आप ये सारी अवेयरनेस उन एम्प्लॉइज तक आपको वीकली या मंथली या कम से कम साल में 2-3 मरतबा फैक्ट्रीज के अंदर जाके उनको सेमिनार या आपका कोई जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ऑरली जो है ना वो जाके उनको बताएं कि देखें आपको ये बेनिफिट मिलने हैं, और उनको पार्ट जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप बाउंड करेंगे जी आपने हमने ये प्रेजेंटेशन देनी है जी, कता नजर इसके के जी आपके पास कितने एम्प्लॉई हैं, कितने रजिस्टर्ड कराए हैं नहीं कराए हैं, आप इस बात को भूल जाएं जी, आप बेनिफिट उनको बताएंगे अवेयरनेस जरूर दें, और एम्प्लॉयर को ये आप मोटिवेशन दें और ये TV प्रोग्राम्स के जरिए जो है ना आप अवेयरनेस दें कि जी आप लोगों को कहीं किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को जहां पर भी आप जाते हैं आप ये राइट खुद क्लेम करें ठीक है एम्प्लॉयर से कि जी मैंने आपके पास जॉब तब करनी है जब आप मुझे रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि मुझे इससे ये बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं, मेरा आधा बर्डन मेरी फैमिली का बर्डन जो उनसे है ये मेरा ये डाइवर्ट हो जाता है या फलाना हो जाता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली थोड़े से मेरी नज़र में ये जो है ना ये थोड़े से काम, राणा साहब आपके पास इसका बजट होता है अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स के लिए हुकूमत ने आपकी तरफ रखा हो, इसके लिए आप अवेयरनेस दें लोगों में, पंफलेट छुपा के इंडस्ट्री में तकसीम करते हैं जगह जगह हमारे ऑफिस में हमारी डिस्पेंसरी में पूरे आवेजा होते हैं बड़े बड़े बोर्ड जिसमें सारे बेनिफिट्स लिखे होते हैं, वर्कर वहाँ आते हैं फ्रीक्वेंटली, एम्प्लॉयर वहाँ पे आते हैं, वो सारे देख रहे हैं, अवेयरनेस काफ़ी हद तक है लोगों में, नहीं वो लिखे पढ़े वो रजिस्टर वो सिर्फ नाम ही पढ़ते हैं सिर्फ वो पूरी चीज़ नहीं, पर फिर भी अवेयरनेस के लिए आजकल तो ये अच्छा है। वैसे राणा साहब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तौर से आवाम को, इसमें रजिस्टर्ड हो क्या उनको फ़ायदे होंगे, क्या उनकी मुश्किलात कितनी कम होंगी ताकि लोग इस तरफ मतवज हों? मैं एम्प्लॉयर हजरात को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी के नेट में आने के बाद वो खुद भी सेफ है, उनके एम्प्लॉय भी सेफ है ठीक है, खुद इस सेंस में सेफ, खुदा खासा कोई हादसा होता है कोई कुछ मिसहैप होती है तो उनके एम्प्लॉय की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, एम्प्लॉयर से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा भी ये इसका वर्कर का लॉस हो गया आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने क्यों रजिस्टर नहीं कराया, दो दिन बड़े बड़े हादसा हो चुके हैं,
ये आपको पता है ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में ये फैक्ट्री गिर गई थी, उसमें जितने वर्कर थे सबको हमने बेनिफिट दिया था इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दो रजिस्टर्ड विद अस आर नॉट, वेदर उनकी कंट्रीब्यूशन आ रही थी या नहीं आ रही थी, हमने उनको ऑन किया, हम सब वर्कर को उनके 250-300 वर्कर थे सबको बेनिफिट दिया हमने। कितना बेनिफिट यानी कि हालांकि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम लोगों की आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कहा ये रजिस्टर्ड इदारे के अंदर काम कर रहे हैं और ये इनकी मौजूदगी इस चीज़ का सबूत है, ये इसके एम्प्लॉई हैं, ठीक है, इसलिए हमने उनको बेनिफिट दिया अक्रॉस द बोर्ड सबको। बिल्कुल ठीक है। आमिर कदरी साहब, क्या तजवीज़ हैं आपके पास सोशल सिक्योरिटी इदारे में, क्या बेनिफिट होने चाहिए जैसा वो कह रहे हो हम तो जो सब कुछ दे रहे हैं, आपकी नज़र में क्या बेनिफिट है? एक मिनट है हमारे पास, देखें जी शऊर आगाही के अलावा जो, जी हाँ जी मैं इसमें अर्ज करता हूँ, ये ना अपना इसमें इनको ना जो ट्रस्ट लेवल है ना एम्प्लॉयर के साथ जी, वो ज़रा थोड़ा सा इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करवानी है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, आप जब तक उसको थोड़ा सा फ्री हैंड नहीं देंगे वो आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ वो नहीं आएगा, उसको ज़्यादा खदशा ये होता है कि अगर कहीं मेरी फैक्ट्री में किसी मेरी गलती की वजह से या एम्प्लॉय की अपनी गलती वजह से कुछ अगर मिसहैप हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ जाएगी, चूँकि मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया, ये मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो वो उससे ज़रा बचने के लिए ना वो फिर इस तरफ नहीं आते। आप उनको कम अज़ कम एम्प्लॉयर को इस जो है ना स्टेज से उसके खौफ की स्टेज से निकालें तो आपका कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप एम्प्लॉइज जितने भी हैं उनको आप अवेयरनेस जो है वो आप किसी भी तरीके से आप अपने जो आपके टैक्स बार देती हैं तो सेमिनार्स करवाती हैं दूसरे करवाती हैं वर्कर्स जो उनसे हैं, आप अपनी एक टीम वर्कर्स की टीम बना लें जिनको एडवर्टाइज जो लोगों के पास जाके हर जिस तरह हर एरिया में आपने इंस्पेक्टर किया हुआ है अपॉइंट किया हुआ है इसी तरह से एक आप उनके साथ एक प्रमोटर या एक जो भी है वो एडवर्टाइजर जो आपका है वो मेल या फीमेल कर देंगे तो ज़रा ज़्यादा आसानी से जो है ना वो उसके अंदर हो जाएगा। एक तो लोगों को वैकेंसी भी मिल जाएगी, दूसरा ये है कि वो वहाँ पे उसमें मार्केटिंग आप लोगों की जो है आपको बहुत सारा कल्चर छपवाने की या इसकी जो है ना जरूरत समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं होगी, वहीं पर जाके वो जैसे आप जहाज में जाते हैं एयर होस्टेस बता देती है ये सारा कुछ भी ना हो रहा हो ना खुदा ना खासा जहाज ने को सब ने कुछ गिरना थोड़ी होता है, लेकिन लोग बड़े इतिहास से और बड़े उससे जो है ना वो देख रहे होते हैं अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। आमिर कदरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अजीज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।